नमस्कार, News4Nation में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। बैंकों से अवैध निकासी के चार मामलों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते 3.5 सालों से रांची के जेल में बंद। जब उनकी तबीयत खराब होती थी तो उन्हें रिम्स के अस्पताल से शिफ्ट किया गया एम्स के अस्पताल में, मगर अब एक खुशखबरी की बात सामने आ रही है। बीते 9 अप्रैल को ही उनके लिए खुशखबरी की बात तब सामने आई जब झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। और फिर आपको ये भी बता दें कि उनके बाकी 3 मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, बस मामला 4थे मामले में फंसा हुआ था, यानी दुमका कोषागार के अवैध निकासी के मामले पर, तो उस पर भी उन्होंने अपनी आधी सजा काट ली और झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया और फिर उन्हें जमानत दे दी। अब आपको बता दें कि अब यह भी फिक्स हो गया है कि लालू प्रसाद यादव किस तारीख को जेल से बाहर आ सकते हैं। इस बात की पूरी अटकलें तेज हैं कि 27 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे। जहां एक तरफ लालू यादव 17 गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो इसी कारण उन्हें रिम्स के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जब उन्हें जमानत मिली तो राजद समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके बड़े पुत्र यानी तेज प्रताप यादव, छोटे पुत्र तेजस्वी यादव और साथ ही साथ पुत्री रोहिणी आचार्य ने कई ट्वीट्स करके इस बात की खुशी जाहिर की कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अब घर वापसी को तैयार है। आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव अब कब पटना के अपने उसी पुराने राबड़ी आवास पर दिख सकते हैं। चारा घोटाला के आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद मंगलवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल द्वारा कोरोना से बचाव के लिए 25 अप्रैल तक किसी प्रकार के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। 25 अप्रैल को प्रतिबंध खत्म होता है तो सोमवार को CBI के विशेष न्यायाधीश AK मिश्रा की अदालत में 1-1 लाख का 2 बेल बॉन्ड भर दिया जाएगा। उसके बाद रिलीज ऑर्डर आते ही लालू जेल से बाहर आ जाएंगे। प्रभात खबर ने बताया कि बेल बॉन्ड ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता, इस कारण सारी कार्रवाई अदालत से ही संभव है। चारा घोटाला में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को बेल नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह जेल में बंद है। वर्तमान में लालू प्रसाद एम्स में इलाजरत हैं। लालू को एक अदालत ने सभी धाराओं में 14 साल की सजा सुनाई थी। 9 अप्रैल को उन्होंने आधी सजा पूरी कर ली थी। उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में जमानत पर बहस के दौरान लालू के बीमार और आधी सजा पूरी होने को आधार बनाकर जमानत देने की अपील की थी। अदालत ने सारी बातों को ध्यान रखते हुए गत 17 अप्रैल को उन्हें जमानत दी थी। इसमें उन्हें 1-1 लाख का 2 बेल बॉन्ड और साथ ही साथ 5-5 लाख का 2 निजी मुचलका भरना था। जमानत के बाद फ़ोन नंबर व पता नहीं बदलने और विदेश यात्रा पर नहीं जाने की शर्त लालू प्रसाद यादव को अदालत ने दी थी। तो जैसा कि आपने देखा, लालू प्रसाद यादव को जब दुमका कोषागार मामले में जमानत मिल गई तो उसके बाद यह साफ हो गया कि अब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे और जल्द ही राबड़ी आवास पर फिर से दिख सकते हैं। आपको बता दें कि AK मिश्रा की CBI कोर्ट में अब यह फैसला 25 तारीख को होगा कि लालू प्रसाद यादव को बेल बॉन्ड भरने के बाद कब तक रिहाई मिलती है। अटकलें तेज हैं कि 27 अप्रैल को लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे। आपको बता दें कि 1-1 लाख का 2 बेल बॉन्ड उन्हें भरना है और साथ ही साथ 5 लाख का निजी मुचलका भी उन्हें भरना होगा। उसके बाद ही उनके जमानत की रिहाई पर एक आदेश जारी होगा। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए News4Nation। नमस्कार।